जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। भगवान कल्कि का हिडन एजेंडा, युग परिवर्तन के लिए आज तक कोई भी उसे डीकोड नहीं कर पाया, हालांकि उसे डीकोड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भगवान कल्कि इनविजिबल रहकर सूक्ष्म रूप में किस प्रकार अपनी सेना का उपयोग करके एक एक काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, यानी बुराइयों को धीरे धीरे खत्म करके अब पूरी दुनिया जब अच्छाई की ओर बढ़ चली है, हालांकि अच्छाई की ओर बढ़ने में अभी भी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन फिर भी बुराई का अंत जब होता है तो बहुत बुरी तरह वो दिखलाई पड़ता है। आज जो पूरी दुनिया में स्थिति है उसे देखकर सभी लोग ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि आने वाला समय कितना खतरनाक हो सकता है, कैसी तबाही का मंजर लोगों की आंखों के सामने होगा। अभी तो सिर्फ लोग कल्पना मात्र कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार आज भी हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, जो भगवान कल्कि से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सब कुछ उनका खत्म हुआ, लेकिन उम्मीद उनके मन में कहीं ना कहीं कायम है। सरबजीत, आप लोगों को याद होगा, वो इंसान जो गलती से चला गया पाकिस्तान में, लेकिन उसे कैद कर लिया गया, मर गया वो। लेकिन अब देखिए, इतने सालों के पश्चात भगवान कल्कि का न्याय, जो बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आए हैं, आतंक को ख़त्म करने के लिए आए हैं, सरबजीत को मारने वाला हत्यारा मारा गया। आज सरबजीत के परिवार को वो खुशी मिली जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानियों का कहना है और पाकिस्तान के गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम कभी भी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। फिर वो कैसे अपने मुंह से कह रहे हैं कि एक के बाद एक भारतवर्ष अपनी खुफिया एजेंसियों का प्रयोग करके, यानी रॉ को ऑर्डर दे देकर हमारे यहाँ 10 से 12 आतंकवादियों को मार गिराया। जब आप एक तरफ ये बात कहते हैं कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते, फिर आप ये कैसे ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। और उन्होंने ये कहा क्यों? कारण ब्रिटिश न्यूज़पेपर में ये खबर छपी, न सिर्फ छपी बल्कि रातों रात ये वायरल हो गई कि पाकिस्तान में 10 से 12 आतंकी पिछले कुछ समय में एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं या उनको मारा जा रहा है। लेकिन उनको मारने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसका पता लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई नहीं लगा पा रहा है। यही होता है भगवान कल्कि का वो गेम जो लाख चाहकर भी लोग समझ नहीं पाते। बुराई को ख़त्म करना है किसी न किसी माध्यम से। भगवान कल्कि अपनी कल्कि सेना के द्वारा, यानी हिडन वे में अपनी एनर्जी के द्वारा उस एनर्जी को क्रिएट करेंगे जो फिज़िकल फॉर्म में जाकर बुराई को न सिर्फ ख़त्म करेगी बल्कि अब ऐसे लोगों को न्याय देगी जो आज तक न्याय की गुहार लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। इसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी आज तक न्याय की आस लगाकर बैठा है। अब एक और भारतवर्ष का सबसे जाना माना दुश्मन, यानी दाऊद इब्राहिम, अब उसको भी डर सता रहा है। कब, किस पल मौत की तारीख उसकी किस्मत उसके सामने लेकर आए, वो पल जिसमें उसका खात्मा हो, छिपकर बैठा हुआ है। लेकिन आखिर कब तक? कल्कि भगवान के मिशन में हर एक इवेंट के लिए एक समय निर्धारित किया गया है, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। तो एक एक करके जितने भी भारतवर्ष के दुश्मन या जिन्होंने भी आतंकवाद के रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया को लूटा, डराया, धमकाया, आज उनका
अंतिम समय आ गया है। कुछ मारे जा चुके हैं और कुछ अपनी मौत का इंतज़ार डर के साए में जीकर कर रहे हैं। यानी अब दाऊद इब्राहिम का नंबर कब आता है ये देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार ठीक अमेरिका के पैटर्न को फॉलो कर रही है। जिस प्रकार अमेरिका ने एक आतंकवादी को खुफिया तौर पर मार गिराया था, ऐसा आतंकवादी जिसने 26/11 को अंजाम तक पहुंचाया था, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था, लेकिन बहुत खुफिया तौर पर उसे मार गिराया गया। उसी प्रकार अब दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए भी भारत सरकार अंदर ही अंदर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है जिसका खुलासा सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो हैं जो हिडन वे में बहुत सारे काम करते हैं। अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने चूंकि नरेंद्र मोदी का नाम लिया या हिडन वे वर्ड का इस्तेमाल किया तो मैं उनको भगवान कल्कि से जोड़ रही हूँ या उनको मैं भगवान कल्कि कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। भगवान कल्कि अलग हैं, वो साक्षात नारायण हैं। उनकी शक्ति जो है एक इंसान में लाख चाहे वो ताकतवर हो नहीं आ सकती। भले ही भगवान कल्कि मानव अवतार हैं, लेकिन वो हम सबसे बेहद अलग, उनका पैटर्न भी काम करने का अलग। कब किसके माध्यम से वो कौन सा काम करवाएंगे, किसके ज़रिए, ये तो सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि उनकी ही लीला है जो अब चल रही है, यानी संहार लीला विनाश लीला। ओडिशा के जाजपुर में एक भयानक ओवरब्रिज से जब बस गिर गई उसमें 5 लोगों की मौत और 40 लोग बुरी तरह घायल हो गए। अचानक से कहीं पर आग लग जा रही है, अचानक ही कहीं पर भूकंप आ रहा है, लोग बहुत जोर तोड़ करके कोशिश कर रहे हैं पहले से जान पाने की कि किस तरह से हम यदि अलर्ट रहें तो आने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। लेकिन प्रकृति का खेल, नियति का खेल ऐसा होता है कि जब तक इंसान जोड़ तोड़ का गणित करता है, यानी उनका कैलकुलेशन जब तक एक रिजल्ट तक पहुंचता है, तब तक नियति अपना खेल खेल चुकी होती है, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो वो जिस इंसान से लेती है वही उस इंसान को वापस भी लौटाती है। तो इंसान के कर्म ही अब इंसान के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। तो जो आतंकवादी जिन्होंने पाप का घड़ा भरते भरते अब इतना समय बिताया कि अब उनके पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है, अब उनके फूटने का समय आ गया है, तो अब भगवान कल्कि एक एक करके किस प्रकार असुरों का निपटारा करेंगे। क्योंकि ये जो युग है सिर्फ भगवान कल्कि का नहीं है बल्कि कली राक्षस का भी है। कली राक्षस यानी बुराई का प्रतीक और कल्कि भगवान यानी अच्छाई के प्रतीक। तो धर्म जब जब धर्म को कुचला गया तब तब नारायण भगवान ने हर युग में एक अवतार के रूप में जन्म लिया, फिर से एक बार अधर्म का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अब तक जो कुछ होता आया है वो तो सिर्फ ट्रेलर मात्र था। अब जो पिक्चर स्टार्ट हो रही है वो बहुत लंबी चलेगी और इतनी लंबी चलेगी कि उसमें इंसान को ब्रेक लेने के लिए भी समय नहीं दिया जाएगा। यानी लगातार या तो संभल जाओ या तो ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाओ। अब का समय बहुत ही खतरनाक, सतर्कता बरतने का समय, इंसान को अपने आप को संभालने का समय। लेकिन आज भी इंसान यदि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहता तो फिर भगवान कल्कि का क्या दोष, क्योंकि जो बोया है वही तो इंसान आज की दुनिया में काट रहा है। आज हर जगह इम्प्योरिटी, अशुद्ध वातावरण, पॉइजनस एयर में हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट। यानी अब जो समय आ रहा है और इंसान जो आगे बढ़ने की चाह में टेक्नोलॉजी की दुनिया में AI को न जाने कहां तक ले जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि AI जिसे वो खुद आज तैयार कर रहा है
कहीं इंसानों को ख़त्म करके खुद अपनी दुनिया ना बसा ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।